हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, आखिर भारत सरकार की अभी मीटिंग हुई थी 10-15 दिन पहले, जब ये मानसून आने से पहले, तो भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं वो क्यों कह रहे हैं कि हर भारतीय को ये ऐप डाउनलोड करना चाहिए, और इसका जो मंत्रालय है वो भी कह रहा है कि हर भारतीय के मोबाइल के अंदर ये ऐप होना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये ऐप है क्या? अपन बात करेंगे आज दामिनी ऐप के बारे में। ये दामिनी ऐप है क्या और भारत सरकार इसको क्यों कह रही है कि हर मोबाइल में होना जरूरी है? आखिर इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है, और जो अपने जो किसान हैं जो खेती में काम करते हैं उनको आखिर इससे क्या फ़ायदा होता है, और कह रहे हैं कि उनको भी इस ऐप को उनके मोबाइल में डाउनलोड करना चाहिए। तो आज अपन इस ऐप की खूबियाँ जानते हैं, आखिर इस ऐप से क्या होता क्या है, आइए जानते हैं। दामिनी ऐप, दामिनी ऐप का मुख्य कार्य है कि जहां कहीं भी बिजली गिरती है तो उसका अलर्ट देना है इंसान को। अगर आपके मोबाइल में दामिनी ऐप है तो आपको उसका अलर्ट मिलेगा। अपन ये कह सकते हैं कुल मिला के कि अगर आपके गवर्नमेंट आपको जान माल के नुकसान से बचाना चाहती है अगर बिजली गिर रही है तो, हर मानसून में हजारों लोगों की मौत बिजली गिरने से हो जाती है, और अधिकतर बिहार और पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि कितनी बिजली गिरती है और कितने लोग मर जाते हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही और ये चाह रही है कि कम से कम मौतें हो इस ऐप के कारण। अब इस ऐप का मुख्य रूप से क्या कार्य है अपन देखते हैं। इसको बनाया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे ने इसको बनाया है, और यह एक मुफ्त ऐप है। मतलब इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इसका कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, और इसमें आपको बिजली गिरने का अलर्ट मिलेगा। मतलब ये जैसे कि अगर आपको कहीं भी अगर बिजली गिर रही है तो उसका अलर्ट ये आपको जरूर देगा दामिनी ऐप। तो इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि इसको आपको हर मोबाइल में आप इसको डाउनलोड करें। फिर इसके बाद आप डाउनलोड करने के बाद में इसको आप रजिस्ट्रेशन और आपके लोकेशन की जानकारी देनी होगी। मतलब आपको इसमें डाउनलोड कर लिया है, फिर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नाम पता मोबाइल नंबर सब लिखना है, फिर आपको इसको लोकेशन की जानकारी देना है, किस लोकेशन पे आप हो उस लोकेशन पे आपको बिजली गिरने की अलर्ट का SMS या ऑडियो आपको आएगा। तो लोकेशन की जानकारी देनी बहुत जरूरी है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आप किस जगह पर हो। इसके बाद इसका जो एरिया है 20-40 किलोमीटर के दायरे में, मतलब इसका जो एरिया है 20-40 किलोमीटर के रेंज में रहता है। अगर 20-40 किलोमीटर के बीच में कहीं पर भी अगर बिजली गिर रही है या कहीं भी कड़कड़ाहट की आवाज़ आएगी या आगे बिजली गिरने की संभावना है अगर 20-40 किलोमीटर के बीच में, तो आपके मोबाइल में SMS आ जाएगा या फिर ऑडियो के द्वारा आपको सूचना मिलेगी। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा बिजली गिरने वाली, और आप सुरक्षित स्थान पर या सुरक्षित जगह पर चले जाओगे और आप उस जनहानि से आप बच सकते हो। इसके बाद ये अलर्ट 30 मिनट पहले आ जाएगा, इस ये ऑडियो और SMS के माध्यम से आएगा। अगर बिजली गिर रही है तो उसका जो SMS आ जाएगा आपको, या ऑडियो से आ जाएगा या फिर SMS आ जाएगा, तो इससे कि आप अलर्ट हो जाओगे, आपको लगेगा यार बिजली गिरने वाली है, मैं किस जगह पे जाऊं और कहां मेरे को सुरक्षित रहना है। पृथ्वी मंत्रालय ने देश के 48 हिस्से में 48 सेंसर के साथ लाइटिंग लोकेशन का नेटवर्क स्थापित किया है। अब आपके मन में कुछ नहीं होगा कि यार कि दामिनी ऐप आखिर कैसे काम कैसे करता है और क्या करता है, तो पृथ्वी मंत्रालय ने IITM पुणे ने एक 48 लोकेशन पूरे देश में सेट किए हैं और एक सेंसर का नेटवर्क स्थापित किया गया। अगर कहीं पे भी कुछ भी अगर उनको लगे कि अगर थोड़ी सी भी गड़गड़ाहट और कहीं एरिया में होगी, वो तुरंत SMS उस सामने जहां आपका मोबाइल में दामिनी ऐप है तो वहां पहुंचा देता है। तो इसका मुख्य रूप से ये कार्य है, और इसका जो अगर आपको कहीं लगे कि यार अगर आप ऐसी जगह पर बिजली गिर रही है, तो अगर आप आसपास मकान है तो उस मकान के अंदर चले जाइए, कभी पेड़ के नीचे खड़े न रहें अगर आप खुली जगह में हो। और तीसरी बात यह, अगर आपको लगे आप खुली जगह में हो और कहीं जाने जैसी जगह नहीं है और वहाँ बिजली गिर रही है, तो आप वहाँ खुले स्थान पर चले जाएँ और अपने कान बंद कर लें और घुटने के बल बैठ जाएँ। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, और भारत सरकार आपको रिकमेंड करके आपके मोबाइल में दामिनी ऐप होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके क्या फ़ायदे हैं और आज मैंने आपको बताया, और इसका जो अगर आपको नहीं मिले तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप ज़रूर देखें और ज़रूर इसको डाउनलोड करें। इसी के साथ आज यही, देखते रहिए मेरे वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आने वाली बढ़िया बढ़िया जानकारी मैं आपको देता रहूँ। नमस्कार।